में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं अरुण गोयल। आइए नजर डालते हैं आज की एक खास खबर पर। वसई विरार महानगर पालिका क्षेत्र में जब भी कोई अवैध बांध काम होता है तो उस पर वसई विरार मनपा के अधिकारी कार्रवाई करते हैं, परंतु जब क्षेत्र में वसई विरार मनपा ही अवैध बांध काम करे तो उस पर कार्रवाई कौन करेगा, ऐसा आरोप अब भाजपाइयों ने लगाया है। आपको बता दें कि नाला सुपारा पश्चिम में बने वसई विरार मनपा के वृंदावन गार्डन में मनपा द्वारा अवैध कब्जा किया जा रहा है, यह आरोप भाजपाइयों का है। भागती दौड़ती वसई विरार मानो अब थमने सी लगी है। वसई विरार महानगर पालिका द्वारा कर भरने वाले लोगों के लिए स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर महापौर मैराथन, मिनी मैराथन, कला क्रीड़ा एवं कई शारीरिक स्पर्धा रखकर उन्हें स्वस्थ बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। साथ ही सुबह शाम ताज़ा हवा और सैर सपाटे, बच्चों के खेलने के लिए उद्यान बनाकर रखा गया है और इन उद्यानों के लिए लाखों करोड़ों का ठेका भी देकर रखा गया है। परंतु नाला सुपारा पश्चिम स्थित वृंदावन गार्डन में मनपा धीरे धीरे कब्जा कर रही है और वहां आने वालों के साथ गलत कर रही है, ऐसा आरोप स्थानिकों ने लगाया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिद्धार्थ सिंह। सिद्धार्थ जी, आप यहाँ पे इस गार्डन में कब से आते हैं? मुझे 2 साल हो गया इधर आके। यहाँ पे क्या करते हो गार्डन में? मैं आके इधर वर्कआउट करता हूँ। वर्कआउट कर, अभी भी आप वर्कआउट कर रहे हैं? वर्कआउट कर रहा हूँ। और अभी आप ये देखा कि यहाँ पे महानगर पालिका यहाँ पे दीवार बना रही है, okay. कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट यहाँ पे अपना चला रही है, उसके बाद जो है मनपा के अधीन हो जाएगा और ये इस जगह पे आप नहीं खेल पाओगे, उसके बारे में आप क्या कहोगे? जैसे कि अभी बोला जाएगा कि अभी ये ऐसा कर रहे हैं तो हम लोग को खेलने को इधर नहीं मिल पाएगा, तो ये बहुत बड़ा ऑप्शन है कि हम लोग खेल नहीं पाएंगे इधर, तो हम लोग को कोई और जगह है नहीं खेलने के लिए। जो हम लोग सोच के आते हैं कि इधर हम लोग को खेलने मिलता है, इस वजह से हम लोग इधर आते हैं, और किधर जाते नहीं है ना हम लोग। मतलब हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से, तो हम लोग ज़्यादा पैसा ये नहीं कर पाते कि हम लोग अफोर्ड कर पाए उस चीज़ को, तो हम लोग इधर आते हैं ये सोच के कि हम लोग को इधर वर्कआउट करने मिलेगा, लेकिन अभी ये ऐसा कर रही है तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे फिर। महानगर पालिका को आपको सुविधाएं देना चाहिए या ये जो सुविधाएं हैं इसको छीनना चाहिए? देना चाहिए, इससे और ज़्यादा, कहीं ज़्यादा देना चाहिए कि इधर कुछ अगर ऐसा कर रहे हैं। मुझे लगा कि इधर बास्केटबॉल कोच बनेगा, आई थिंक सो, इसके लिए बाउंड्री कर रहे हैं ये लोग ने। उसके बाद में जब अभी आपसे पता चल रहा है कि ये लोग छीनने वाले, तो बहुत बड़ा अफसोस लग रहा है कि खेलने नहीं मिलेगा हम लोग को इधर। स्थानिक विधायक, उनसे क्या कहना चाहेंगे? स्थानिक विधायक से यही कहना चाहूँगा कि अगर ये आप ले रहे हैं तो ना लीजिए इधर, अपना ग्राउंड के लिए है तो ग्राउंड के लिए ही छोड़ दीजिए, यहाँ की सारे लोग जो खेलते हैं, बच्चे लोग, तो इधर ही आके खेलते हैं। और ये जो बिल्डिंग है उसके बारे में तो कुछ बोल ही नहीं सकते। क्यों नहीं बोल सकते? अभी उन्होंने आके एकदम अचानक से कब्जा कर लिया इधर आके, तो वो अच्छा नहीं है ना। ये कब से बनाया हुआ है ये बिल्डिंग? ये अभी कुछ हो गया एक साल आई थिंक सो। हाँ, क्या नाम है आपका? प्रेमनाथ शर्मा। शर्मा जी, आप यहाँ पे पार्क में अक्सर आते रहते हैं? अक्सर आता हूँ, अक्सर आता हूँ। तो यहाँ पे महानगर पालिका किसी हिसाब से एक बड़ा हिस्सा अपने कब्जे में लेकर के कुछ बना रही है, क्या कहना चाहेंगे? ये गलत है। एक्चुअली जो हम लोग यहाँ पर बच्चों को लेकर के आते हैं तो स्पेस की पहले से ही कमी थी, अभी और इन्होंने बाउंड्री लगा करके एरिया कम कर दिया है और हम लोगों को टहलने घूमने में और एक्सरसाइज वगैरह करने में दिक्कतें आ रही है। एरिया कम करते जा रहे हैं, पब्लिक बढ़ती जा रही है, और इसलिए ये चाहिए कि इनको ये सब बंद कर देना चाहिए, ओपन स्पेस मिलना चाहिए। बाउंड्री करके अपने कब्जे में लेकर के इसका कोई मतलब पब्लिक से नहीं है, वो उनका इंडिविजुअल यूज हो गया, उससे पब्लिक से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हम लोग यहाँ आते हैं, अगर स्पेस रहेगा तो हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, इंजॉय करेंगे, टाइम पास होता है बच्चों का, ये जगह कवर करते चले जा रहे हैं, इससे गार्डन सिकुड़ता जा रहा है। ये हम अब इनको चाहिए कि ओपन स्पेस रखें और लोग यहाँ आकर के टाइम पास करें, इंजॉय करें, एक्सरसाइज करें और बच्चों के साथ खेलें। मशीनें भी वो देखिए टूटी हुई पड़ी हुई हैं, मशीनें जो है टूटी हुई पड़ी हुई हैं, वहाँ से उन्होंने निकाल दिया वो साइड जो मशीनें थी बच्चों खेलने के लिए, और जो भी है वो एक बार टूटी हुई देख लीजिए। कोई भी इंस्ट्रूमेंट टूट जाता है वो बनता नहीं है, रिप्लेसमेंट नया होके आता है, रिपेयरिंग होके कब आता है उसका कोई टाइमिंग नहीं है और कोई कंट्रोल नहीं है, शासन की तरफ से कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता है पब्लिक के लिए। क्या नाम है आपका? सागर। सागर जी, आप अक्सर इस पार्क में आते रहते हो क्या? हाँ, आते रहते हैं, हफ्ते में दो बार आते हैं। हफ्ते यहाँ पे अच्छा लगता है, थोड़ा जगह थोड़ा छोटी है। छोटी है? क्या कैसे छोटी हो रही है? मतलब जगह कंजेस्टेड थोड़ा हो रहा है, बाजू में थोड़ा दीवार आ रहा है तो थोड़ा कंजेस्टेड हो रहा है जगह। महानगर पालिका पार्क को और छोटा कर रही है, किसी अन्य काम के लिए उसने यहाँ पे दीवार बनाई है,
और जो सुविधाएं महानगर पालिका को आपको देना था उस सुविधाओं का एक हिस्सा है फिर से वापस ले रही है, तो कैसा लग रहा है आपको? तो वो सही बात, ये सब सही बात नहीं है फिर, तो थोड़ा रहना चाहिए जब जो भी है जहाँ पे जगह। हम क्या कहना चाहोगे कि जो महानगर पालिका पार्क को छोटा कर रही है, यहाँ पे आने वालों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है लेकिन पार्क छोटे होते जा रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? थोड़ा अच्छा रहता है, बच्चे लोग आते हैं, अभी तो इधर गांव जैसा तो है नहीं, आदमी लोग आता है इधर, थोड़ा पब्लिक लोग थोड़ा इधर आके बच्चे लोग को लेके आती है, थोड़ा खेलते हैं बच्चे लोग, तो थोड़ा अच्छा रहता है। अभी ये सब जगह तो छोटी होती जा रही, बच्चे लोग कहाँ जाएंगे इधर, तो और कोई कुछ है नहीं जो बच्चे लोग उधर जाके खेलेंगे, थोड़ा जगह रहता है तो आदमी लोग थोड़ा इधर, सब लोग बुजुर्ग लोग बच्चे बड़े सब इधर आते हैं तो थोड़ा अच्छा रहता है। वहीं वृंदावन गार्डन में होने वाले अवैध बांध काम के खिलाफ भाजपाइयों ने हस्ताक्षर अभियान चलाया। भाजपाइयों ने कहा कि जब कहीं अवैध बांध काम होता है तो मनपा तोड़क कार्रवाई करती है, परंतु आज तो मनपा ही बच्चों बुजुर्गों महिलाओं एवं सभी के साथ खेलकूद और मनोरंजन की जगह पर अवैध कब्जा करने जा रही है। क्या नाम है आपका? मैं विनीत तिवारी, भाजपा युवा मोर्चा नाला सुपारा का शहर का अध्यक्ष हूँ। यहाँ पे आपने हस्ताक्षर अभियान छेड़ा है, क्या है? हाँ, अभी यहाँ पे ये वृंदावन गार्डन महानगर पालिका द्वारा बनाया गया था, बच्चे बुजुर्ग ज्येष्ठ नागरिक यहाँ पे खेलते बैठते थे, लेकिन कुछ दिनों पर एक साल पहले एक बिल्डिंग खड़ा किया गया, आपके सामने दिख रहा होगा, जो ये आरक्षित है महानगर पालिका द्वारा, सरकार द्वारा, महाराष्ट्र सरकार द्वारा ये जगह गार्डन के लिए आरक्षित है, पर ये जगह पे पहले एक बिल्डिंग बनाया गया जो चुनाव वगैरह में महानगर पालिका यूज करती है, लेकिन अभी कुछ दिनों से एक बाउंड्री घेरा जा रहा है जो गार्डन के 50% जगह को घेर रहा है, वो बच्चे कहाँ जाएंगे खेलने के लिए, ज्येष्ठ नागरिक कहाँ बैठेंगे? एक तो यहाँ पे जितनी आबादी नाला सुपारा पश्चिम में है यहाँ पे 4 गार्डन होना चाहिए, एक गार्डन है उसको भी ले रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं, और जो महानगर पालिका के पास कोई जगह नहीं है नाला सुपारा में। मैं प्रभाग समिति सहायक आयुक्त को मिला, मुन्ने साहब को, वो बोले कि सभा प्रभाग का और कार्यालय बन रहा है, तो कार्यालय के लिए और कोई जगह नहीं है नाला सुपारा पश्चिम में, यही जगह बच्चों का जगह, ज्येष्ठ नागरिक का जगह कब्जा करने के लिए, बाकी जगह जो महानगर पालिका के पास आरक्षित जगह है वो जगह में तो भू माफियाओं को दे दिया है लोड बैरिंग बनाने के लिए, आपको देखेंगे सब लोड बैरिंग, देखिए पूरा लोड बैरिंग, जो बच्चों का जगह है वो कब्जा करने का, बाकी जो महानगर पालिका के पास जगह है वो बिल्डरों को दे देने का, ये धंधा बना के रखा है। मैं आपके माध्यम से एक आह्वान करना चाहता हूँ, जल्द से जल्द एक काम बंद होना चाहिए, नहीं तो भारतीय जनता युवा मोर्चा वसई विरार जिला नाला सुपारा शहर एक बड़ा आंदोलन छेड़ेगा इसके लिए। एक तरफ क्षेत्र के युवा विधायक कहते हैं हम तो फिटनेस के लिए मैराथन और कई सारी स्पर्धाएं रखते हैं, ऐसे में गार्डन बंद कर रहे हैं, तो उनको क्या कहेंगे? मैं आमदार साहब को निवेदन करूंगा कि जनता आपको विकास के लिए वोट दी है और जनता काम करने के लिए वोट दी है, अगर ऐसा होता रहेगा तो अगला इलेक्शन में जनता ही जवाब देगा इसका। क्या नाम है आपका? देवेंद्र सिंह। देवेंद्र सिंह, ये हस्ताक्षर अभियान क्यों किया जा रहा है? हस्ताक्षर अभियान सर जी हम लोगों ने इसलिए आज सुबह से शुरुआत किया है क्योंकि जैसा आपने अभी देखा अंदर महानगर पालिका अनिरुद्ध बांधकाम स्वयं एक सरकार होने के बावजूद, जो कि उसका पेशा है कि वह गलत काम ना होने दे, उसके बावजूद वह स्वयं गलत काम कर रही है। यह जमीन गार्डन के नाम पे रिजर्व किया गया था, जिस चीज़ के लिए रिजर्व है उस पे सिर्फ वही रहना चाहिए, उसके बावजूद यहाँ पे अलग अलग किस्म के कब्जा करने के लिए हथियार, मतलब बहुत सारे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, जिसके विरोध में हम अभी प्रेम मोहब्बत से उनको एक नोटिस दिए हैं और लोगों के यहाँ से संपर्क कर रहे हैं, सबसे हस्ताक्षर अभियान कर रहे हैं। अगर हमारे बात करने पे अगर वो मान जाते हैं और अपनी प्रतिक्रिया को यहाँ पे वो स्टॉप कर देते हैं और अपने काम को रोक देते हैं तब तो माहौल बहुत अच्छा रहेगा, अगर इसके बाद भी अगर वो नहीं मानते हैं तो जो हमारा अगला कदम होगा, महानगर पालिका कभी इस बात की कल्पना नहीं की होगी क्या हो सकता है। इस अवैध बांधकाम के लिए आप किनको जिम्मेदार ठहराते हैं? अवैध बांधकाम के लिए महानगर पालिका में चुने हुए कुछ नगर सेवक, कुछ सभापति, जबकि आप महानगर पालिका के कहीं से भी अगर आप अंग हैं तो हर वह व्यक्ति इस चीज़ का जिम्मेदार है इस अवैध निर्माण का, जैसा कि अभी आपको हमारे नेताजी ने दिखाया कि जस्ट उसके ठीक पीछे बहुत सारी लोड बैरिंग बनी हुई है, यह अपने आप में बड़ा सवाल है सर। आप समझिए महानगर पालिका द्वारा बनाया हुआ गार्डन के ठीक सटा हुआ इस तरीके का अवैध निर्माण, और मैं खुली चेतावनी और दावा भी करता हूँ जिस दिन अगर ये मेरी बात नहीं माने तो मेरा अगला कदम यह होगा और आप सभी मीडिया कर्मियों के बीच में होगा, मैं खुलकर दिखाऊंगा कि यह निर्माण किसने करवाया और कौन कौन उसमें शामिल है। पूरे दावे के साथ कहता हूँ नाला सुपारा में 50% से ज़्यादा
अवैध निर्माण काम में यहाँ के सभापति, यहाँ के नगर सेवक किसी न किसी रूप से, किसी न किसी तरीके से उनका उस चीज़ में इन्वॉल्वेशन है। और यह बात कहने में मुझे किसी बात की कोई हिचक नहीं है। क्या कहना चाहोगे जो आज हस्ताक्षर अभियान यहाँ पर चलाया जा रहा है? जे आता अपन वृंदावन गार्डनच्या इथे सकाळी 4 वाजल्यापासून आपण इकडे 4-5 वाजेपासून कार्यक्रम चालू केला, लोकांचा प्रतिसाद चांगला भेटला आपल्याला। हजारोच्या लोक आपल्याला हे बोलत होती की हे गार्डनमध्ये आता ते बांधकाम चाललेलं आहे, साईडनी बाउंड्री म्हणून लोक जेवढे वरिष्ठ लोक आहेत, मुलं आहेत, युवा पिढी आहेत, ते बोलत होते आम्हाला खेळायला जागा नाही, असं नाही तसं नाही। एक जण आमच्या ऑफिसला आला, असं असं बोललं, आम्ही एकदा बघितलं दररोजच्या संख्येने आम्ही हे आंदोलन करणार, ह्याच्यावरती कारवाई नाही झाली तर युवा मोर्चा ना सोपारा शहर विनीत तिवारीच्या नेतृत्वाखाली आम्ही हे करणार। शंकरभाई क्या कहना चाहोगे इस विषय पे? देखिए, वृंदावन गार्डन जो महानगर पालिका द्वारा गार्डन के लिए आरक्षित किया गया था, जनता के टैक्स के पैसे से बना, ये महानगर पालिका ने इसमें 1 रुपये खर्चा नहीं किया है, जनता से जो टैक्स ले रही है उसी टैक्स के द्वारा इस गार्डन का निर्माण किया गया। बहुत दिनों पहले इस गार्डन में बहुत स्पेस था, उस स्पेस को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। पहले चुनाव आयोग के नाम पर यहाँ एक इमारत खड़ी की गई, उसके बाद अभी बाउंड्री वॉल बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर आने वाले जो भी यहाँ रहवासी हैं उनको बहुत सा तकलीफ होगा, क्योंकि गार्डन ऑटोमेटिक छोटा हो रहा है, और छोटा हो जाएगा तो कहाँ पर अपना एक्सरसाइज करेंगे, कहाँ पे वो जो उनके बच्चे, छोटे बच्चे आते हैं, जो बुजुर्ग लोग आते हैं, यहाँ सुबह शाम आप देख रहे हैं कितने भारी संख्या में लोग आते हैं। एकमात्र गार्डन है नाला सोपारा में, जबकि लोक संख्या को बांट के देखते हुए यहाँ 4 से 5 गार्डन की आवश्यकता है, पर यहाँ पे कोई प्रशासन की कोई इधर ध्यान नहीं दे रहा है, क्योंकि उनके सामने वो अगर कहीं पर कोई गलत काम करता है तो उसको जाके उसको तोड़ते हैं, उस पर तोड़क कार्रवाई करते हैं, लेकिन खुद वो अपने आरक्षित जगह पर जो निर्माण कार्य कर रहे हैं उसका क्या होगा। आपको बता दें कि नाला सुपारा पश्चिम स्थित राहुल इंटरनेशनल स्कूल के पीछे बना गार्डन भी अभी अपनी बदहाली पर रो रहा है, वहीं अब ये गार्डन भी धीरे धीरे कम होते जा रहा है। क्या जनता के टैक्स का पैसा अब मनपा अपने लिए उपयोग में लेगी? नाला सुपारा से क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज़ की एक रिपोर्ट।